स्टूडेंट्स, आज हम फुल टेस्ट पेपर नंबर 8 जूलॉजी का डिस्कस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे, चलो उसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो इसमें बोला है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पूछते हैं तब आपको दिमाग लगाना है कि एंडोक्राइन पोर्शन से रिलेटेड है, पेनक्रियास के एंडोक्राइन पोर्शन से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पेनक्रियास लिखा है। एक चीज आप याद रखना कि एक्सोक्राइन पेनक्रियास भी होता है, बिकॉज पेनक्रियास एंजाइम भी सिक्रेट करता है टुगेदर विद हार्मोन। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज टर्म्ड एज एसिनर सेल्स, एसिनर एरिया, बिकॉज वहां पे जो एसिनर सेल्स होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ सिक्रेटिंग सर्टेन एंजाइम लाइक ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, न्यूक्लियेजेस, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सोक्राइन नहीं होगा क्योंकि लैंगरहैंस लिखा हुआ है। ये करेक्ट है क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का 1-2% होता है पैनक्रियाटिक टिश्यू में। ओके, सीक्रेट प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स नहीं होगा क्योंकि ये एंडोक्राइन पोर्शन से रिलेटेड है। सीक्रेट स्टेरॉयडल हार्मोन्स नहीं होगा बिकॉज ज्यादातर हार्मोन्स इससे जो भी सीक्रेट होते हैं दे आर पेप्टाइड। ओके, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होते हैं जस्ट लाइक ग्लूकागन, इंसुलिन, ग्रेलिन, सोमेटोस्टेटिन, इस तरह के हार्मोन्स पैनक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से सीक्रेट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 हमने देख लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल से पूछा गया है। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन एस्चेरिशिया कोलाई वर आइसोलेटेड, नेम द एंजाइम्स। तो इसमें से कौन सा सेट करेक्ट है, तो इसमें आंसर मार्क किया हुआ है दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंड मिथाइलेज। मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको देना चाहूँगी। अगर तुम एक बैक्टीरिया देखोगे जो कि इकोलाई है, उसमें अगर एक बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल डालता है उसे रेप्लिकेट करने के लिए, तो नॉर्मली बैक्टीरिया कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डीएनए, जो कि वो रेप्लिकेट ना कर पाए, वायरल डीएनए को रेप्लिकेट ना करने दे। तो ये दो एंजाइम्स है जो इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है जिससे कि वायरल डीएनए का लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट ना हो। तो जब भी वायरल डीएनए एंटर होता है तब मिथाइलेज एक एंजाइम होता है जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। तो मिथाइलेज क्या करता है, मिथाइलेज एंजाइम ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियल क्रोमोजोम। ओके, और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज होता है ये जाके इसे क्लीव करता है, क्लीव करना मतलब इसे कट कर देता है जिससे ये एक्सप्रेस ना हो पाए। इन दैट वे जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है वो तो वायरल डीएनए को कट कर देता है, लेकिन जो मिथाइलेटेड एरिया है मेन क्रोमोजोम बैक्टीरिया का उसे छूता नहीं है और उसे क्लीव नहीं करता। तो इसलिए बैक्टीरियल क्रोमोजोम भी प्रोटेक्टेड रहता है और वायरल डीएनए एंटर करने के बाद भी रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 152 आई थिंक आपका क्लियर हुआ होगा जो कि बायोटेक्नोलॉजी से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 बायोमोलिकल से पूछा गया है जिसमें आपको सेलेक्ट करना था करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर इनऑर्गेनिक, यहाँ पे इनऑर्गेनिक नहीं होगा, ये ऑर्गेनिक होगा। फाइन, तो इसलिए गलत है क्योंकि एनसीईआरटी में दे हैव मेंशन ऑर्गेनिक, बट इन सम अदर बुक्स इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों मेंशन है। मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम, यहाँ पे टाइटली नहीं होना था, इसमें लूजली होना था। ओके, क्योंकि जब भी प्रोस्थेटिक ग्रुप लिखते, अगर लिखते ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज टाइटली अटैच्ड टू द एंजाइम, तब वो करेक्ट होता। तो यहाँ पे ये गलत है। मेटल आयंस कैनॉट एक्ट एज कोफैक्टर, कैनॉट नहीं, कैन एक्ट एज कोफैक्टर, बिकॉज मेटल आयंस लाइक जिंक जो कि कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में है। ओके, जैसे मेटल आयंस और भी होते हैं, मैग्नीशियम एंड डीएनए पॉलीमरेज, तो मेटल आयंस आर इंपॉर्टेंट कोफैक्टर्स जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सबस्ट्रेट और एंजाइम दोनों के साथ, और जो एंजाइम है उसके एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करते हैं। ओके, यहाँ पे कैनॉट नहीं होना था। लास्ट ले गया आपका ये जो कि करेक्ट ऑप्शन है, इसमें से एनएडी आपको पता ही होगा, निकोटिनेमाइड एडेनाइन डायनोक्लियोटाइड और निकोटिनेमाइड एडेनाइन डायनोक्लियोटाइड फॉस्फेट, फिर एफएडी होता है फ्लेबिन एडेनाइन डायनोक्लियोटाइड, फ्लेबिन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दीज आर सर्टन कोएंजाइम्स जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। एंड कोएंजाइम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट क्या होता है, विटामिन होता है, ये भूलना मत। ओके, कोएंजाइम्स का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि आता ही रहता है विटामिन है, ये आप भूलना मत। तो तुम्हारे बुक में ये एग्जाम्पल है, कौन सा विटामिन, मेनली B3, B2, ये सब यूज होता है। ओके, और भी है बिकॉज बी कम्प्लेक्स से ही कोफैक्टर प्रिपरेशन में यूज होता है, B12 और B9 को छोड़ के ज्यादातर बी कम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन है दे आर इन्वॉल्व इन द कोएंजाइम प्रिपरेशन। ओके, तो आई थिंक 153 आपका सबका क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज 154।
154 ये आपको डिजीज से पूछा गया है, कुछ पोर्शन आपके लोकोमोशन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन है। इसमें आप देखो जो ग्रेव्स डिजीज है, ग्रेव्स डिजीज नॉर्मली रिलेट करता है इससे इंक्रीज वेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस, दैट मीन्स ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज है जो कि हाइपर थायरॉयडिज्म से लिंक करता है, हाइपर थायरॉयडिज्म, ओके, हाइपरथायरॉयडिज्म से लिंक करता है। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज भी है जिसमें प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल होता है और एक्सोथैल्मिक गॉइटर भी होता है। तो इसमें ये लाइन भी एनसीईआरटी से लिया गया है, इंक्रीज वेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस, ये दोनों इसी में आएगा, फाइन। फिर देखो एक्रोमेगाली, एक्रोमेगाली होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज, ये क्यों होता है, इज बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन मिडिल एज। इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस है, सपोज अगर मिडिल एज में हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हुआ तब क्या होगा, एपिफाइशियल प्लेट जो होता है फेमर के ठीक ऊपर ये ब्लॉक हो जाता है, इससे गाइगेंटिज्म तो होगा नहीं लेकिन फेशियल बोन में डिसफिगरमेंट आ जाता है जो बहुत दिन तक अनडायग्नोस्ड रह जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक्रोमेगाली डायबिटीज मेलाइटिस से भी रिलेट कर सकता है, ओके। तो इसमें से ये लाइन है इससे मैच हो रहा है, दैट इज डिसफिगरमेंट ऑफ फेशियल बोन, क्योंकि वो फेशियल एरिया को ज़्यादा इफेक्ट करता है। और एक्रोमेगाली को हम लोग नॉर्मली इनफॉर्मल में भी बोले गोरिल्ला लाइक फीचर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आप देखो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वह एस्ट्रोजन कम होने से होता है एंड इज रिलेटेड टू मेनोपोज। मेनोपोज में एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाता है वो बोन को वीक कर देता है, बिकॉज एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विटामिन डी एब्जॉर्प्शन, और अगर वो नहीं हुआ बोन वीक हो जाता है फीमेल में, तब जाके बोन फ्रेजाइल हो जाता है, जल्दी टूट जाता है, उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ओके। तो इससे ऑस्टियोपोरोसिस है, दिस इज डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एडिसन्स डिजीज इज मेनली रिलेटेड टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन लाइक कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तब एडिसन्स डिजीज जब भी होता है आपके बुक के हिसाब से आपको ये मार्क करना था, अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक, क्योंकि एडिसन्स डिजीज में एनेमिया हो सकता है एंड नॉर्मली WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस बॉडी में हो सकते हैं, ओके। तो आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 154 इसमें मिक्स था थोड़ा सा, इसमें आंसर ये निकलना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन, ओके। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। अब हम क्वेश्चन नंबर 155 डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल किंगडम से, और बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, वो कर पाओगे आराम से। इसमें तुम देखो हर्मोफ्रोडाइट पूछा है, दैट मीन्स ये रिलेटेड टू व्हाट, मोनोशियस पूछ रहे हैं आपको, ओके। मोनोशियस, मोनोशियस का मतलब क्या है, दे आर टॉकिंग अबाउट बाइसेक्शुअल। तो अगर आपको याद रखना है कि बाइसेक्शुअल ग्रुप अगर देखो तो फाइलम वाइज भी आप एक बार एनसीईआरटी से देख लेना, और यहाँ पे एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। ये तुम्हारा है बाइसेक्शुअल, दैट इज हर्मोफ्रोडाइट, एस्केरेस तो तुम्हारा यूनिसेक्शुअल है, डायोशियस, हाइड्रा यूनि और बाई दोनों में आ जाता है, ब्रहा यहाँ फेरिटीमा लीच और टेपफॉर्म तीनों ही हर्मोफ्रोडाइट है, स्टारफिश यूनि में आ जाएगा, टोड यूनि में आ जाएगा, टेपफॉर्म बाइसेक्शुअल है, लीच बाइसेक्शुअल है, हाइड्रा बाइसेक्शुअल प्लस यूनिसेक्शुअल है, और कॉकरोच यूनिसेक्शुअल है। सो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे इसमें आंसर बी आ रहा था, ओके। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 एनिमल टिश्यू से पूछा गया है आपको। इसमें आप देखो ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, इसमें क्या होगा आंसर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। जब भी तुम्हारे ब्रश बॉर्डर वर्ड यूज करते हैं आप 101 में देखना, दे हैव रिटन एज ए माइक्रोविली, माइक्रोविली को ही हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। तो अगर आप एक सेल देखोगे, सेल के सरफेस में ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दिस आर माइक्रोविली एंड द टोटल सेल इज नोन एज विली। इस सेल को हम लोग बोलते हैं विली और इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोविली, या तो इसे हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर, ओके। तो इस बेसिस पे आपको याद रखना है माइक्रोविली को ही हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, तो इसलिए इसमें आंसर होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे कॉलमनर लिखा है। अगर यहाँ पे कॉलमनर नहीं होता, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता, तब आपका आंसर नेफ्रॉन या तो PCT होता, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओके। एंडोथेलियम जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, आप पेज नंबर 286 में चेक कर सकते हो, जो कि एक्चुअली बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ये पार्ट लिया गया है। एंडोथेलियम को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं स्क्वामश, किसी भी एरिया में स्क्वामश है तो इसे हम लोग स्क्वामश एपिथेलियम बोलते हैं, लेकिन अगर स्क्वामश ब्लड वेसल्स के इनर लाइनिंग में होते हैं तब उसे हम एंडोथेलियम बोल सकते हैं, लाइक आर्टरी में, वेन में, लिम्फेटिक वेसल्स में भी बोल सकते हो, लिम्फेटिक कैपिलरीज में बोल सकते हो, ग्लोमेरुलस में बोल सकते हो, एफरेंट आर्टरियल में बोल सकते हो, इफरेंट आर्टरियल में एंडोथेलियम वर्ड आता है, दिस इज नथिंग बट स्क्वामश
कोश एपिथेलियम। नेक्स्ट आप देखो सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि फेलोपियन ट्यूब से है। सिलिएटेड एपिथेलियम मेनली 101 के एकदम लास्ट पेज में देखना लिखा हुआ है, सिलिएटेड एपिथेलियम के फेलोपियन ट्यूब में या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं पे भी है आप वो मार्क कर देना सिलिएटेड एपिथेलियम के बेसिस पे। ओके नेक्स्ट आ गया आपका कंपाउंड एपिथेलियम जो कि 102 पेज में है, मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी। तो कंपाउंड एपिथेलियम मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी, सलाइवरी डक्ट, पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स या तो पेनक्रियाटिक डक्ट्स में मिलते हैं, फिर तुम्हें वहाँ पे भी मिलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में मिलेगा। तो इस बेसिस पे अगर अब तुम देखो तब ये मार्क कर देना मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बकल कैविटी। ओके आई थिंक ये आप कर पाए होगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 ये मिक्स्ड मैच क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया टू कंपेयर बिटवीन अ कोलंबा दैट्स अ बर्ड एंड कॉकरोच जो कि पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। अगर आप ये देखोगे मार्क द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर बिटवीन द कोलंबा दैट्स पीजियन एंड पेरिप्लेनेटा कॉकरोच, ये जो पॉइंट है दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, पेरिप्लेनेटा दैट इज कॉकरोच। ओके ये पेरिप्लेनेटा से रिलेटेड है, ये दोनों ही आपको बर्ड और कॉकरोच में मिल जाएगा। प्रिनलैंड आपको मिलेंगे बर्ड में और एलिरी मसल्स आपको मिलेंगे कॉकरोच में। तो इन दैट बेसिस इसका आंसर ये आ रहा था क्रॉप एंड गीजर्स, क्योंकि क्रॉप एंड गीजर दोनों के ही डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलता है। ओके अगर आपको रिफर करना है कॉकरोच वाला डायग्राम एनसीईआरटी में, दैट इज 113 आप रिफर कर सकते हो, और एनसीईआरटी में पेज नंबर 58 में रिटर्न लिखा हुआ है एप्स में क्रॉप्स एंड गीजर्स बर्ड्स में होता है। ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेज नंबर 145 से लिया गया है और ये अमीनो एसिड के बेसिस पे पूछा गया है बायोमोलिकल चैप्टर से। तो अगर आप देखोगे 145 उसमें आपको ये डायग्राम मिल जाएगा जो कि सेरीन का है, तो आपको सेरीन का डायग्राम देख लेना, ग्लाइसिन का देख लेना, एलानिन का देख लेना। और पेज नंबर 144 के फर्स्ट पैराग्राफ में एरोमेटिक जो जो अमीनो एसिड्स है लाइक फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन वो देख लेना, वेलाइन वहाँ पे दिया है, न्यूट्रल कौन सा एसिडिक है ये सब थोड़ा सा पढ़ के रख लेना, और अमीनो इज ए सब्स्टिट्यूटेड मिथेन ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है 158। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 बायोमॉलिक्यूल से पूछा है पेज नंबर 158 से, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन पार्ट से आंसर आपको दिख रहा है ये है, क्योंकि इसमें पूछा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और मेलोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसमें छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन अगर देखो, ये एक एंजाइम है जिसमें जाके जो सबस्ट्रेट है वो बैठ जाता है तो प्रोडक्ट बनता है, और अगर इनहिबिटर जाके बैठ जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रोकता है, प्रोडक्ट बनने नहीं देता। दैट मीन्स इनहिबिटर इज अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ एंजाइम, इज इन अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ सबस्ट्रेट। लेकिन इनहिबिटर और सबस्ट्रेट क्या है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है, जो कोई भी यहाँ पे बैठ जाएगा इन दैट बेसिस वो उसके एक्टिविटी को बंद कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट बैठा तो प्रोडक्ट बनेगा, इनहिबिटर बैठा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इनहिबिटर ने एंजाइम को सब्सट्रेट से मिलने नहीं दिया। तो हमेशा याद रखना इनहिबिटर इज अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ एंजाइम। ओके लिखा है बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में, एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन, ये एक पॉइंट याद रखना। और एक चीज याद रख लेना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब भी होता है तब केएम वैल्यू हाई होगा, लेकिन जो वीमैक्स है इट विल रिमेन सेम, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके अगर हम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं तो हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा रहता है कि नॉर्मली जब भी वीमैक्स के ऊपर हम स्टडी करें द मैक्सिमम वेलोसिटी हम अटेन कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सब्सट्रेट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके लेकिन केएम वैल्यू हाई होगा, इनिशियली तो हाई रहेगा ही बिकॉज ऑफ इनहिबिटर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कि क्वेश्चन नंबर 159 और पेज नंबर 158 आप पढ़ लेना एक बार, रीडिंग कर लेना। ओके 158 और 159 दोनों इंपॉर्टेंट है, और बायोमॉलिक्यूल 145 पेज में जितने भी डायग्राम्स हैं एक बार आप स्कैन कर लेना और देख के जाना। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से पूछा गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसके बेसिस पे अगर आप देखो सार्च सलाइवरी एमाइलेज मेल्टोज बनता है, ये करेक्ट है। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि आपने पकड़ ही लिया होगा यहाँ पे एंटेरोकाइनेज होना चाहिए था, एंटेरोकाइनेज। ओके तब करेक्ट होता, पीएच का 1.8 होना चाहिए था तब ये करेक्ट होता। फैक्टर एसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। इसका मतलब बी और सी यहाँ पे गलत आ रहा है क्योंकि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है।
ओके ये बहुत सिंपल था। इसमें एक चीज मैं बता दूं, विटामिन बी 12 एब्जॉर्प्शन वाला जो पॉइंट है, इंट्रिंसिक फैक्टर एक्चुअली इलियम से विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब कराता है, और विटामिन बी 12 इज इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर विटामिन बी 12 होता है, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामिन, जो कि ऑक्सेंटिक सेल से सिक्रीट होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, और वो हेल्प करता है विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में, भूलना मत। ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 160 सिंपल था, अब क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से पूछा गया है, पेज नंबर 275 से। इसमें आप देखो assertion, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ये करेक्ट है, बिकॉज ऑक्सीजन जो होता है जब भी ब्लड में कम होता है या तो बढ़ता है, ब्रेन उसे सेंस नहीं कर पाता, लेकिन कभी भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन जब भी बढ़ता है, ब्रेन उसे सेंस कर लेता है। एंड क्यों सेंस कर लेता है? क्योंकि आर्टरी में जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है और वही ब्लड ब्रेन की तरफ जाता है, उसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा वो सेंस करके उसे रेगुलेट करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ अदर एरिया लाइक पोन्स एंड केमोसेंसिटिव एरिया। ओके तो इसमें पूछा गया है कि इनसिग्निफिकेंट है, लिखा गया है तो इनसिग्निफिकेंट है, करेक्ट है। इंक्रीज PCO2 नेचुरल कंसंट्रेशन इनपुट्स फ्रॉम द केमो रिसेप्टर कैन एक्टिवेट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। यस क्यों ऐसा है, क्यों इनसिग्निफिकेंट है ऑक्सीजन? क्योंकि यहां पे CO2 और हाइड्रोजन आयन इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करता है, जिसे सेंस करके मेडुला ऑब्लोंगेटा इस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन को, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ओके कि कब इनहेलेशन कराना है, कब एक्सहेलेशन कराना है। इसका मतलब एसर्शन करेक्ट है, रीजन भी इसमें करेक्ट है, और रीजन पूरा इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो बता दे रहा है कि वाई ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि CO2 एंड हाइड्रोजन आयन इज मोर सिग्निफिकेंट। इन दैट वे रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओके तो यहां पे आंसर ये निकलना था आपका ए। एक चीज और याद रखना, आपके बुक में 275 में लिखा है केमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट इन द एडजेसेंट एरिया ऑफ मेड्यूला, और समरी के एकदम लास्ट लाइन में लिखा है जो केमोसेंसिटिव एरिया है इट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इन आए या तो एडजेसेंट आए, दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ओके कैरोटिड आर्टरी एंड एओर्टा, जो मैंने पिछले ANTS में आपको 6 नंबर ANTS में क्वेश्चन डाला था कि कैरोटिड आर्टरी और जो एओर्टा है, दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन टुगेदर विद केमोसेंसिटिव एरिया। और न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो होता है वो पोन्स में होता है, जो ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को कंट्रोल करके एक्सहेलेशन को सपोर्ट करता है। ओके तो वो ध्यान रखना आपको, और 275 प्लीज आप एक बार रीडिंग कर लेना, समरी में जाके लास्ट पैराग्राफ एक बार मिला के पढ़ लेना। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर 162 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 भी आपको डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर से पूछा गया है। आपको इसमें पूछा था डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन द ह्यूमन पैनक्रियाटिक जूस, इसमें न्यूक्लियोटाइडेज होगा, बिकॉज न्यूक्लियोटाइडेज स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और पैनक्रियास में ट्रिप्सिनोजन, 6 याद रखना ट्रिप्सिनोजन, फिर क्या होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, देन योर एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, और न्यूक्लियेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज नहीं। ओके तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुम 6 याद रखना कि ये यहाँ से रिलेटेड है। एक चीज और ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आर कंसिडर्ड टू बी द ट्रू एंजाइम बिकॉज आर डीलिंग विद और ब्रेकिंग द ऑल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। अगर किसी कारण ऊपर डाइजेशन नहीं हुआ माउथ में या स्टोमक में, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैन डील विद ऑल टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, इसीलिए उसे ट्रू एंजाइम्स बोला जाता है। जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे है, दे आर जाइमोजेंस बिकॉज वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में रहने वाले एंजाइम्स को जाइमोजेंस कहा जाता है। जब भी ट्रिप्सिनोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है फ्रॉम द पैनक्रियाटिक एसिनर सेल्स, उसी ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है एंटेरोकाइनेज, जो कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन का एंजाइम है। जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है, बाकी जितने भी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं सबको एक्टिवेट कर देता है। ओके ये ध्यान रखना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 163 की तरफ हम मूव करते हैं। 163 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा है। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन किया गया है सिनर्जिस्टिक। सिनर्जिस्टिक का मतलब है जिस हार्मोन का फंक्शन सिमिलर है। एंटागोनिस्टिक अगर आया तो आपको याद रखना ऑपोजिट फंक्शन। ओके तो इसमें आप देखो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको हम लोग एज ए होल क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस कहाँ से सिक्रेट होता है, एड्रिनल मेड्यूला से। ये दोनों सिनर्जिस्टिक है बिकॉज दे आर एक्चुअली डीलिंग विद इंक्रीजिंग ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट, एवरीथिंग। हमेशा याद रखना ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। एपिनेफ्रिन मतलब एड्रिनलिन हार्मोन, और नॉन एपिनेफ्रिन मतलब नॉन एड्रिनलिन हार्मोन, जो जिसको हम मिला के बोलते हैं कैटेकोलामाइंस सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेड्यूला। ओके और ये सब एमाइन डिराइवेटिव होते हैं। ये दोनों क्या है, एमाइन डिराइवेटिव है। ओके ध्यान रखना। थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन ऑपोजिट है, दैट इज एंटागोनिस्टिक।
इसमें एक चीज याद रखना, थायरोकैल्सिटोनिन आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बाय डिक्रीजिंग, दैट मीन्स ये हाइपोकैल्सिमिक है, और जो पैराथॉर्मोन है वो क्या करता है, हाइपरकैल्सिमिक है, क्योंकि वो ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, मेंटेन रखता है. ओके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये आपको पता ही होगा, इंसुलिन होता है हाइपोग्लाइसेमिक और ग्लूकागॉन होता है हाइपरग्लाइसेमिक. हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना, घटाना, घटाना, और ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना. लेकिन एक चीज़ याद रखना हमेशा कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ही ब्लड होम्योस्टेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं. बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस. ओके, ये ध्यान रखना, बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस, ये ध्यान रखना. गैस्ट्रिन और जीआईपी आप समझ गए होंगे. गैस्ट्रिन आपके स्टोमक के म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जो कि ऑक्सिनेटिक सेल को स्टिमुलेट करके एचसीएल और आईएफ सिक्रीट कराता है और प्रोटीन डाइजेशन को सपोर्ट करता है. जीआईपी होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि एंटेरोगेस्ट्रॉन है, उसका रोल होता है गैस्ट्रिन के एक्टिविटी को जब मौका आए रोकना. ओके, ये ध्यान रखना. तो बोथ आर ऑपोजिट, यहां पे ये भी एंटागोनिस्टिक है और ये भी एंटागोनिस्टिक है, और ये हो गया आपका सिनर्जिस्टिक. आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा. थोड़ा सा सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक अपने दिमाग में बना के सेट आप एग्जाम में पहुंचना. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 164 की तरफ मूव करते हैं. 164 आपको एनिमल टिश्यू से पूछा गया है. इसमें आप देखो, आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग. Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. तो ये करेक्ट है और ये NCERT का उठाया हुआ लाइन है, जो कि पेज नंबर 103 में आपको मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट आप देखो, एडिपोज टिश्यू इज अ टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बिनीथ द स्किन, क्योंकि वो हीट को ट्रैक करता है, बिकॉज एडिपोसाइट्स जो होते हैं उसमें फैट स्टोर रहता है, एंड फैट इज नॉर्मली हेल्प्स इन ट्रैपिंग द हीट इनसाइड द सिस्टम. ओके, तो ये करेक्ट है. ईच मसल्स मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल एरे, ये करेक्ट है, बिकॉज जो मसल फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में रहते हैं कवर्ड बाई ए फैसिया, और मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल रहता है, और मायोफाइब्रिल के अंदर मायोफिलामेंट रहता है. तो पैरेलली देयर अरेंज इन अ सिलिंड्रिकल फैसिकल, और सिलिंड्रिकल फाइबर्स उसे बोलते हैं. क्लियर, तो आपको याद रखना है ये सी जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है, बिकॉज ये मसल का एक बेसिक स्टेटमेंट है. लास्ट आपको लिखा है द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, करेक्ट, फ्यूजीफॉर्म तो है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या हो गया, शो स्ट्राइएशन, यहाँ पे शो स्ट्राइएशन नहीं होना था, डू नॉट शो स्ट्राइएशन, बिकॉज स्ट्राइएशन किसका होता है, स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं आपके स्केलेटन मसल्स, एंड दूसरा है आपका कार्डियक मसल्स. यहाँ पे शो स्ट्राइएशन लिखा है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. ओके, तो आपको छोटा छोटा चीज है जो बहुत ध्यान से आपके नीट में, जो कि अपकमिंग नीट एग्जाम है जुलाई 17, जो कि बहुत नज़दीक आ चुका है, आप आराम से विदाउट एनी एड्रेनलिन रश शांति से मार्क करना, जिससे कि छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स करके ना आओ. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 165 के तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 165 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से पूछा है, कार्डियक साइकिल से. जॉइंट डायस्टल आपको एक फेज पता होना चाहिए. ईसीजी में अगर आप जाओ देखो, ईसीजी में 287 पेज में जाके देखना, पी से टी तक अगर देखोगे, दिस इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है, और टी से पी तक तुम देखो एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज जॉइंट डायस्टल. जॉइंट डायस्टल फेज में होता क्या है, चारों चैम्बर रेस्ट में रहते हैं, और जो ऑरिकल्स में ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल की तरफ रन करता है. ओके, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुले रहते हैं, लेकिन जो सेमिलर वाल्व्स है इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, ये क्या रहता है, ये ओपन रहता है ना क्लोज, तब बोलना पड़ेगा क्लोज रहता है, क्योंकि सेमिलर वाल्व्स पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर तब खुलता है जब ब्लड किस तरफ जाता है, लंग्स के तरफ और बॉडी के तरफ. ओके, और जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है तब ये प्रोसेस होता है. तो यहां पे आप देखो, आप समझ जाओगे, ऑल द फोर चैंबर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट, करेक्ट. द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स आर ओपन, करेक्ट. द सेमिलर वाल्व्स आर ओपन नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज्ड होना चाहिए था, क्योंकि तभी ये खुलता है जब हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा होता है और सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्ट होगा, और टी टू पी इज द फेज ऑफ जॉइंट डायस्टोल ईसीजी में. ओके, ये याद रखना. तो इसलिए इसमें आंसर यही आएगा, ओनली ए एंड बी, क्योंकि आपको बोला ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल कौन सा करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है. ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 166 की तरह मूव करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 166 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल से पूछा गया है, पेज नंबर 204 रिफर कर सकते हो आप इसके लिए। इसमें देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द रोल ऑफ बबल्स इन स्पार्क्स टी टैंक बायो रिएक्टर। बबल्स का ड्रामेटिकली वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर, जस्ट लाइक योर स्टीरर जो इंक्रीज करता है ऑक्सीजन ट्रांसफर थोड़ा सा, तो बबल्स का भी रोल वही है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है बबल्स फैसिलिटेट द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, यहाँ पे द मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट वाला जो पॉइंट है ये तो गलत है। ये तब लाएगा कार्ब्ड बेस, जो बायो रिएक्टर के नीचे कार्ब बेस रहता है, समझे, तो बायो रिएक्टर में बेस जो कार्ब रहता है, दिस हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ रिएक्टर कंटेंट, यहाँ आ रहा है। ये तो ऐसे कुछ इससे लिंक नहीं है, तो आपको याद रखना है कि इसमें एक अगर मार्क किया है तो आपका करेक्ट होगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर 167 की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 167 डिस्कस करेंगे जो कि एनिमल मॉर्फोलॉजी के कॉकरोच पोर्शन से पूछा गया है। ये बहुत सिंपल है। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, पेज नंबर 111 में जाओ, वहां पे जो कॉकरोच का डायग्राम है वो फीमेल का है। तुम उसमें ध्यान से देखो, नीचे एनल सरसी है लेकिन एनल स्टाइल नहीं है। किसी भी मेल कॉकरोच को अगर तुम देखोगे, एक मैं रफ डायग्राम बनाती हूँ, तब तुम्हें ऐसे एक एनल सरसी मिलेगा और एक एनल स्टाइल मिलेगा, ठीक है। एनल स्टाइल को ही हम लोग कॉडल स्टाइल बोलते हैं, दिस इज एनल स्टाइल या तो कॉडल स्टाइल। ये कॉडल स्टाइल जो वर्ड है ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 115 में लिखा हुआ है। ओके, बाकी पॉइंट आप रिफर करो, ये पेज नंबर 112 में लिखा है, आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम इन 7 सेगमेंट, 9 नहीं 7th, अगर 7 सेगमेंट है तभी फीमेल का होगा। ओके, ऐसे याद रखना। लेकिन सबसे बेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए एनल स्टाइल ही होता है, जो इजीली तुम्हें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा बिटवीन मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट है फोर विंग्स विद अ डार्कर टेजमिना, ये सब हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प नहीं करता। और एनल सरसी मेल और फीमेल दोनों में होता है, मेल में भी होता है फीमेल में भी होता है। और प्लस आपको याद रखना है वो 10th टर्जम से निकलता है। ओके, एब्डोमेन के 10th टर्जम मतलब 10th सेगमेंट के टर्जम एरिया से निकलता है एनल सरसी, प्रेजेंट इन मेल एज वेल एज फीमेल, एनल स्टाइल इन मेल ओनली। ओके, तो चलो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 168 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 168 लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर से आपको पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा है मार्क द करेक्ट सेट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल होता है, जो कि हमारे सूचर्स में होता है, स्कल्स के। आप देखो पेज नंबर उसमें जाओ, स्कल के सूचर्स में है, पेज नंबर 309 में जाओ, स्कल में जो प्लेट्स है दे लाइन बाय सर्टेन सूचर्स, जॉइंट बाय सर्टेन सूचर्स, जो कि जिगजैग लाइंस आपको दिखेंगे। सपोज आप स्कल देखोगे, स्कल में ऐसे कुछ जिगजैग लाइंस दिखेंगे, दिस आर सूचर्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट है। बिटवीन एडजेसेंट टू वर्टिब्रेटा अगर आया, वर्टिब्री अगर आया, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के छोटे छोटे बोन होता है उसको ज्वाइन करने के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजनस ज्वाइंट, जो कि लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है, लिमिटेड। ओके, फाइब्रस ज्वाइंट नो मूवमेंट, इधर आ गया कार्टिलेजनस ज्वाइंट विच प्रोवाइड लिमिटेड मूवमेंट, द नेक्स्ट वन इज साइनोवियल ज्वाइंट विच प्रोवाइड्स कंसिडरेबल मूवमेंट। ओके, तो इसमें साइनोवियल ज्वाइंट हो गया सैडल ज्वाइंट, जो कि आपके इस एरिया में है, थंब कार्पल मेटाकार्पल इस एरिया में आता है, तो ये करेक्ट है। एंकल बोन जो कि टार्सल है ये 7 होता है, तो ये गलत है। थोरेसिक वर्टिब्री होता है 12, जो कि वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है, 5 नहीं 12 होगा, इसलिए ये गलत है। ओके, तो ये चीज आपको लोकोमोशन से पूछा है। अब हमें बैठ के एक बार क्विक रिविजन के लिए एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स है उसका नंबर और अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स है उसका नंबर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 169 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस से पूछा गया है, पेज नंबर 274 से रिलेट करके। इसमें आपको पूछा है रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड, जब हमारे ब्लड में पीएच लो होता है एंड एच प्लस ज्यादा होता है, पीसीओ2 हाई होता है और टेम्परेचर हाई होगा, तब ऑटोमेटिकली जो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन है वो डिसोसिएट होता है। तो ये एक्चुअली बोर्स इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमेशा याद रखना पीएच लो, एच प्लस मोर, पीसीओ2 हाई, टेम्परेचर हाई, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन अलग होगा। ओके, ऑपोजिट सेट पीसीओ2 लो, पीओ2 हाई, एच प्लस लेस, पीएच हाई, टेम्परेचर लो, तब क्या होगा, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जुड़ेगा, एसोसिएट होगा। तो एसोसिएट और डिसोसिएट का ठीक उल्टा है फैक्टर। जब डिसोसिएट होता है वो बोर्स ने स्टडी किया था, उसे बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। जो एनसीईआरटी में बोर्स इफेक्ट लिखा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा घुमा फिरा के आते रहता है, तो हमेशा याद रखना रिडक्शन पीएच ऑफ ब्लड या तो टेम्परेचर हाई, पीसीओ2 हाई, पीओ2 लो, एच प्लस मोर, कुछ भी आए, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये मार्क करके आना है। ओके, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 170 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन से। आप इस जगह पे देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, थायरोक्सिन आपका आइडोथायरोनिन है,
FSH आपका क्या है? ग्लाइकोप्रोटीनस है, हार्मोन नेचर वाइज। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या है? स्टेरॉइड्स है। जो भी स्टेरॉइड्स और आइडोथायरोनिन्स रहते हैं, ये दोनों हमेशा याद रखना, दे कैन इजिली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर रिसेप्टर से अटैच होते हैं एंड जीन एक्सप्रेशन चेंज करते हैं। लेकिन जो भी FSH होते हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीनस, TSH, देन योर LH या तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स जितने भी हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे अटैच होते हैं और सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर के हेल्प से वो अपना बायोकेमिकल रिएक्शन या तो फिजियोलॉजिकल चेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन जीन एक्सप्रेशन नहीं बदलते। ओके, जीन एक्सप्रेशन बदलने वाले हॉर्मोन्स है आइडोथायरोनिन्स एंड स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, जो कि न्यूक्लियर रिसेप्टर से लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर क्या आ रहा है? FSH, याद रखना, क्लियर? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछा है। आप यहाँ पे देखो, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन। ये आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा, जहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या ओवेरियन साइकिल का डायग्राम है, उसके ठीक नीचे ग्रोइंग फॉलिकल्स करके एक स्टेटमेंट लिखा है। हमेशा याद रखना, जो ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है। एस्ट्रोजन जब भी ग्रेफिन फॉलिकल से सिक्रेट होता है, देन ऑटोमेटिकली इट गिव सिग्नल टू हाइपोथैलेमस। किसे देता है सिग्नल? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का परसेंटेज इंक्रीज करता है। इंक्रीज करके एंटेरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके LH प्लस FSH का जो परसेंटेज है उसे राइज करा देता है। ओके, जैसे LH बढ़ा तो LH सर्ज होगा, LH सर्ज होगा तो ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होकर ओविलेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो एस्ट्रोजन है वो तब इन द मीन टाइम साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके लिए वो बेड प्रिपेयर करता है फॉर द फ्यूचर एम्ब्रायो। ओके, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। आपको याद रखना है, अगर बोलेंगे एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन तब एस्ट्रोजन और एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस तब प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये याद रखना, ये जो क्वेश्चन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पेज नंबर 50 में है। आप एक बार अच्छे से उस पार्ट को एक बार रीडिंग कर लेना, कि क्वेश्चंस नॉर्मली आते रहते हैं इससे। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 172 आपको इवोल्यूशन से पूछा है, पेज नंबर 140 एंड 141। आपको याद रखना है, इसमें जो भी स्टेटमेंट्स है, जस्ट लाइक मेन मैन विद अ ब्रेन साइज विथ 1400 cc लिव्ड इन द नियर ईस्टर्न सेंट्रल एशिया बिटवीन 1,00,000 to 40,000 ईयर्स बैक, दे यूज हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर डेड बॉडी एंड बीरीड द डेड बॉडीज इन दैट बेसिस दे रेस्पेक्ट द डेड बॉडीज, तब इसमें आंसर हमेशा मार्क करके आना नियंडरथल मैन। एक सीक्वेंस याद रखना, बहुत सिंपल है। अगर तुम्हें पूछेंगे बिफोर एप कौन कौन है, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, एक है ड्रायोपिथेकस जो बुक में लिखा है आपके, फिर है रामापिथेकस। शॉर्ट रिवीजन के लिए, ड्रायोपिथेकस होता है किसके तरह? एप लाइक, और ये होता है ह्यूमन लाइक। एप क्या क्या है आपको याद है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, फिर होमो हैबिलिस है और होमो इरेक्टस है, ये तीन। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता, अफ्रीका में है, और होमो हैबिलिस इज फर्स्ट होमिनिड लाइक एंड होमो इरेक्टस जावा में मिला था 1891 में। ओके, नेक्स्ट आपका है मॉडर्न मैन। इसी मॉडर्न मैन के कैटेगरी में आप अगर पढ़ोगे मॉडर्न मैन के कैटेगरी में, तब आपको नियंडरथल मिलेगा। क्रोमैग्नन लिखा नहीं है लेकिन आ सकता है, क्रोमैग्नन आपका जो वो है केव पेंटिंग उसके बेसिस पे आ सकता है 18,000 ईयर्स एगो, और नेक्स्ट आया होमो सेपियंस सेपियंस जो कि हम हैं। ओके, तो नियंडरथल मैन का 1400 cc, सेंट्रल इन ईस्ट एशिया, बीरीड द डेड बॉडी, रेस्पेक्ट द डेड बॉडी, ये सब आता है 1,00,000 to 40,000, और आइस एज का एक पीरियड है वो भी याद कर लेना, 10,000 ईयर्स एगो एग्रीकल्चर वाला देख लेना, और 18,000 ईयर्स एगो केव पेंटिंग जो कि भीम भेट का रीजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये पूरा बुक में मेंशन नहीं है, नए बुक में लिखा हुआ है। ओके, ये थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, बिकॉज ये सिंपल सिंपल चीज आपको गलत नहीं करना चाहिए, एग्जाम का अभी भी थोड़ा बहुत टाइम है, आप रिवीजन आराम से कर सकते हो। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 173 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पेज नंबर 322 जो डायग्राम है उसे रिफर करना, रिफ्लेक्स आर्क। ये इसी से पूछा है कि स्पाइनल कॉर्ड ब्लैंक न्यूरॉन्स आर फाउंड इन डैश रूट व्हिच आर डैश इन नेचर। तो अगर आप मिला के देखोगे आपको मिलेगा जो सेंसरी न्यूरॉन, फिर डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, और उसका नेचर क्या है? सीडो यूनिपोलर है। बिकॉज उस डायग्राम में देखना ऐसा कुछ गोल सा ऐसा है, इधर से एक नर्व आ रहा है, इधर से एक नर्व है, इसमें एक लूप फॉर्मेशन हुआ है, दिस इज सीडो यूनिपोलर का साइन है ये, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया, जो एफरेंट नर्व है उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स है जो कि रिसेप्टेरियर से आ रहा है, और डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया भी सेंसरी है जो कि इन्फॉर्मेशन CNS को दे रहा है, बिकॉज वो स्पाइनल जो नर्व है उसका पार्ट है। फिर रह गया आपका अंदर का पोर्शन, कि पूछा आपको उसका नेचर क्या है, वो मल्टीपोलर है, सीडो यूनिपोलर है,
फिर या तो यूनिपोलर है, बाईपोलर है, तो सीडियो यूनिपोलर है। सीडियो यूनिपोलर जो होता है नॉर्मली इस तरह से होता है, अगर एक न्यूरॉन देखोगे बीच में से कहीं से फिर से सेल बॉडी निकल आता है। अगर यूनिपोलर देखोगे तुम जस्ट लाइक दिस, ओके दिस इज यूनिपोलर। और बाईपोलर में एक डेंड्राइट होता है जो कि रेटिना में है, दिस इज बाईपोलर। और मल्टीपोलर तो आपको पता ही है, उसमें बहुत सारे डेंड्राइट्स रहेंगे, एक सेल रहेगा और ये आपका न्यूरॉन है, डेंड्राइट्स बहुत सारा रहेगा। इसमें एक डेंड्राइट है, इसमें बहुत सारे डेंड्राइट है, इसमें डेंड्राइट्स नहीं है, इसमें डेंड्राइट है नहीं, लेकिन बीच में देखो ऐसे सेल बॉडी निकल आता है, दिस इज सीडो यूनिपोलर। यहाँ पे एक सेल बॉडी, यहाँ पे एक सेल बॉडी, यूनिपोलर नो डेंड्राइट, ओनली वन सेल बॉडी। ओके तो ये थोड़ा सा देख लेना, 173 पेज नंबर 322 रिफर कर लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 174 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 भी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है, ये पेज नंबर 326 के लास्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखो द बैलेंसिंग रिसेप्टर ऑफ ईयर, पहले मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज बैलेंसिंग ऑर्गन। बैलेंसिंग ऑर्गन या बैलेंसिंग पार्ट हमारे बॉडी में क्या है, वेस्टिब्यूलर एपरेटस अबोव द कॉकलिया, वेस्टिब्यूलर एपरेटस। वेस्टिब्यूलर एपरेटस में एक चीज है 3 semicircular कैनाल और एक है ऑटोलिथ, ऑटोलिथ ऑर्गन। 3 semicircular कैनाल जिसमें तुम्हें मिलेगा क्रिस्टा, क्रिस्टा न्यूरॉन्स जैसे सेंसरी हेयर सेल्स, और ऑटोलिथ ऑर्गन जो कि सेक्यूल और यूट्रिक्यूल से बना रहता है, उसके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स मिलेंगे उसमें आपको मिलेगा मैक्यूला। तो मैक्यूला और क्रिस्टा कुछ नहीं है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स है, जहाँ पे सेंसरी हेयर सेल्स लिखा है वो सेंसरी न्यूरॉन्स मीन कर रहा है, और वो हमारे वेस्टिबुलर एपरेटस का पार्ट है जो हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन है, जिसमें स्टेटो का मतलब होता है बैलेंस और एकॉस्टिक का मतलब होता है हियरिंग। स्टेटो में आ जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस और एकॉस्टिक में आ जाता है हियरिंग जो कि कॉकलिया देखता है। कॉकलिया में सबसे ऑडिटरी रिसेप्टर्स कौन सा है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, और ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के ठीक ऊपर एक होता है इलास्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया। तो क्रिस्टा किससे रिलेट कर रहा है, 3 semicircular कैनाल, और मैक्यूला लिंक कर रहा है ऑटोलिथ ऑर्गन जो कि सेक्यूल और यूट्रिक्यूल मिलके बनाता है, सेक्यूल प्लस यूट्रिक्यूल, और ये दोनों ही सेंसरी न्यूरॉन्स से प्रेजेंट इनसाइड द वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन या बैलेंसिंग एपरेटस है हमारे बॉडी का अबोव द कॉकलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 174 क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 175 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 175 आपको पूछा है ह्यूमन थायरॉइड डिजीज से। इसमें हमेशा याद रखना इंटेस्टाइनल परफोरेशन आया तो टाइफाइड। ओके, अगर आपको पूछा इंटरनल ब्लीडिंग प्लस इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज तब आप लिंक करोगे एस्केरियासिस। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, टाइफाइड के केस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, इसके केस में ये हो गया। और एक चीज़ आप सिमिलर देख लेना, टाइफाइड और एमीबियासिस में टाइफाइड जो होता है वो टाइफाइड का सेल्मोनेला टाइफी वो इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और एमीबियासिस में इन्फेक्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, और एस्केरियास में सिर्फ इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। ओके, और एक चीज़ टाइफाइड और एमीबियासिस दोनों में ही कॉमन फीचर है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, दोनों में होता है, ये दोनों करेक्ट है। और 39 to 40 degrees Celsius अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ मिला कहीं पर तब मार्क कर देना टाइफाइड। ओके, तो ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है जो ह्यूमन थायरॉइड डिजीज का है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन आया तो टाइफाइड, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज एंड इंटरनल ब्लीडिंग तब एस्केरियासिस, लार्ज इंटेस्टाइन में कौन रिसाइड करता है दैट इज एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, इंटेस्टाइन लिखा है तो एस्केरीज, और स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा है तो सेल्मोनेला टाइफी, इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 176 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 176 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से आपको पूछा गया है, जिसमें आपका पार्ट्स लिखा है नेफ्रॉन का, आपको मैच करना विद द फंक्शन। तो लूपोफिलिन मेनली लिंक्ड विद व्हाट, प्ले अ रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन टुगेदर विद वासारेक्टा, रह गया एफरेंट आर्टरियल, इट कैरीज ब्लड टू द ग्लोमेरुलस। ओके, एफरेंट आर्टरियल एक्सटेंड होके आता है डॉर्सल एओर्टा से, एफरेंट आर्टरियल एक्सटेंड होके ग्लोमेरुलस बनता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करता है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होता है इज द एरिया फॉर द कंसिडर्ड अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, क्योंकि इसमें 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है पीसीटी से, और 100% ग्लूकोज एंड एमाइनोसाइड। ओके, अच्छा नेक्स्ट ग्लोमेरुलस अगर देखा गया तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, दिस इज नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ एफरेंट आर्टरियल। ओके, नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इज मेंटेन मेन एरिया फॉर
पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन, क्योंकि डीसीटी हो या कलेक्टिंग डक्ट हो वो सिक्रीट करते हैं हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन टुगेदर विद पीसीटी. मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड मैक्सिमम ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन इज डन बाय पीसीटी एंड डेंस विलेबिक इसमें है पीसीटी में है. ओके और एक चीज आप याद रख लेना, उसमें क्या होगा, सिंपल क्यूबॉइडल होगा, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, मैंने कहा था ये आपको. दूसरा लूपोफिलिया और वासा रेक्टा मेनली डील विद द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ओके कहाँ से कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है, डीसीटी से. कौन सा हार्मोन उस पर एक्ट करता है, तब बोलोगे एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ओके ये देख लेना. तो ये क्वेश्चन नंबर 176 ओवर हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे 177. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन से. अगर आप यहाँ पे देखोगे 296 में आपको मिलेगा. आप देखो ये वासा रेक्टा है और ये है लूपोफिलिया. तो लूपोफिलिया का जो डिसेंडिंग लिम है ये वाटर छोड़ता है, वाटर. ओके और ये NSL छोड़ता है, याद रखना. ये मैंने क्या बोला, लूपोफिलिया एंड दिस इज वासा रेक्टा. अगर ये डिसेंडिंग पार्ट है ये असेंडिंग होगा, तब ऑटोमेटिकली ये क्या है, असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग होगा वासा रेक्टा का. वासा रेक्टा इज एक्चुअली ब्लड कैपिलरी, माइन्यूट वेसल है विच इज रनिंग पैरेलल टू लूपोफिलिया. तो ऑटोमेटिकली इमेजिन करो ये उसके पैरेलल रन कर रहा है, तब जब भी यहाँ से वाटर निकलेगा ये जाएगा यहाँ, और जब भी यहाँ से NSL निकलेगा ये जाएगा यहाँ. दैट इज असेंडिंग लिम से लूपोफिलिया से जब NSL निकलता है तब ये डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा NSL को एब्जॉर्ब लेता है. लेने के बाद यही NSL जब एक बार घूम के इस तरफ होके फिर ये बॉडी की तरफ जाएगा ना, ये ब्लड तो हमारे रीनल वेन में जाके बॉडी की तरफ पहुंचेगा, तब यहाँ से थोड़ा सा NSL निकल जाता है. यू गेटिंग माई पॉइंट. जब भी लूपोफिलिया और वासा रेक्टा में एक्सचेंज होता है, तब सम पोर्शन ऑफ NSL विच इज एक्सट्रूडिंग आउट फ्रॉम असेंडिंग लिम ऑफ लूपोफिलिया, इट इज एब्जॉर्ब बाय डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा. डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा से वही NSL घूम के जब उठ के ऐसे असेंडिंग लिम की तरफ जाता है, किसका, वासा रेक्टा का, तब थोड़ा सा NSL मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर रह जाता है और बाकी ब्लड बॉडी में चला जाता है. ओके अब तुम सोचोगे मेडुलरी इंटरस्टिशियम क्या है, पेज नंबर 292 में जाओ. किडनी के अंदर जो मेडुलरी पिरामिड है, पिरामिड का एकदम जो वो है नीचे वाला पोर्शन है, अगर तुम पिरामिड देखोगे ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे, दिस इज मेडुलर इंटरस्टिशियम, नेफ्रॉन के बाहर वाला एरिया, वहाँ पे NSL रह जाता है. दिस NSL इन यूरिया, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया आता है, मेंटेन द हाइपरटोनिक कंडीशन ओवर देयर. ओके जिससे कि हमारा यूरिन कंसंट्रेटेड बनता है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जहाँ से पास होके जाता है उसके आसपास का एरिया NSL यूरिया से भरा रहता है, इसलिए NSL यूरिया ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक, और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर का सिस्टम क्या हो गया फिर, हाइपरटोनिक, तो वाटर बाहर निकल जाता है एंड मेकिंग द यूरिन मोर कंसंट्रेटेड. तो ये एक्चुअली उसी से पूछा है कि ड्यूरिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन बाई ह्यूमन किडनीज NSL इज रिटर्न टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम बाई द असेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा, ये देता है. ओके और रीनल पिरामिड का ये एरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियम है जिसके अंदर नेफ्रॉन होता है, और असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, असेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा NSL छोड़ देता है थोड़ा सा, ठीक है, एक्सट्रूड आउट कर देता है. फिर वही NSL और यूरिया हमारी यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने में, 4 times कंसंट्रेटेड बनाने में सपोर्ट करता है. क्लियर. तो अब 296 एक बार पढ़ लेना, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट. ओके चलो अब क्वेश्चन नंबर 178 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 178 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है. आप रिफर करने के लिए पेज नंबर 64 देख सकते हो. ओके इसमें देखो, इन द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम व्हाट मेथड इज यूज फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस विद मोर देन 8 cells. अगर मोर देन 8 cells लिखा है, हमेशा ये लिंक करता है IUT के साथ, इसलिए आंसर आपका इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर होगा. जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कब होता, अगर यहाँ पे लेस देन लिखा रहता, लेस देन 8 cell स्टेज, या तो लिखा रहता जाइगोट, जाइगोट और एम्ब्रायो विथ लेस देन 8 cell स्टेज जिफ्ट. मोर देन 8 cell स्टेज, जहाँ पे जाइगोट मेंशन नहीं है, मोर देन 8 cell स्टेज, तब IUT. दोनों टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंडर में आते हैं और जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, बिकॉज गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है. ओके ये ध्यान रखना. 178 हो गया, सिंपल सा है, पेज नंबर 64 रीडिंग कर लेना ART, इससे भी क्वेश्चन रहता है. ओके अब क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे. 179 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल से पूछा गया है. आपको लग सकता है कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन मैंने क्या पूछा, इट्स मेंशन इन इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज 193 में आकर देखो आके. तो बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में DNA वैक्सीन मेंशन है, उसमें देखना हाउ आर मॉडिफाइड जीन्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन वैक्सीन. तब हम DNA इंजेक्शन देते हैं.
फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब होता है जब हम किसी भी वायरस और पैथोजेंस को हीट किल करके या तो उसको वो करके वीक करके बॉडी में एंटर कराते हैं। एटेन्यूएटेड को हम बोलते हैं वीकेंड पैथोजन, उसको इंट्रोड्यूस कराना, जैसे DPT है, MMR है, BCG है, टिटनस टॉक्सोइड है, दिस आर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग RDNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसमें एक अच्छा माइक्रोब का पार्ट और दूसरा आपका जो पैथोजन कॉजिंग जो उसका पार्ट है उसको हम फिक्स कर देते हैं, RDNA बनाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी जो होता है वो RDNA में यूज़ होता है, और उसमें हम नॉर्मली RDNA में ईस्ट और बैक्टीरिया दोनों यूज़ करते हैं। ओके, तो वो RDNA वाला हो गया एंड सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो गया। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम लोग मेनली DNA वैक्सीन और RNA वैक्सीन बोलते हैं, जो कि थर्ड जनरेशन है, जिसमें हम डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं एक होस्ट सेल में। ओके, तो आपको कभी भी पूछेंगे हाउ आर मॉडिफाइड जीन्स इंट्रोड्यूस इन द होस्ट सेल्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ थर्ड जनरेशन वैक्सीन, तब हम DNA इंजेक्शन बोलेंगे या तो RNA इंजेक्शन। तुम्हारे बुक में DNA वैक्सीन लिखा है पेज नंबर 192 में, चेक कर लेना, मतलब बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन में DNA वैक्सीन वर्ड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 भी बायोटेक्नोलॉजी इन प्रिंसिपल से है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें आप देखो प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल DNA। यस, बिकॉज प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है जो कि ऑटोनोमसली रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि इसमें ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। और बैक्टीरियोफेज आपको पता है बैक्टीरिएटिंग वायरस है जो DNA आराम से डाल सकता है, जेनेटिक मटेरियल डाल के वो अपना रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर करके लाइसोजेनिक साइकिल करके फिर आराम से निकल जाता है लिटिक साइकिल करके। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज हम DNA में उसी प्लाज्मिड को और बैक्टीरियोफेजेस को यूज करते हैं। लाइक प्लाज्मिड हम यूज करते हैं फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन में हम यूज करते हैं TI प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेसियन, एनिमल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम मेनली यूज करते हैं रेट्रोवायरस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। DNA इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट बी पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। यस, DNA अगर किसी सेल में इंट्रोड्यूस करना है इतना इजीली डाल नहीं सकते बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक है, लाइपोफोबिक है। उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड अप्लाई करना पड़ता है, जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ करना पड़ता है, कैल्शियम का यूज़ करना पड़ता है, हीट शॉक मेथड का यूज़ करना पड़ता है, या तो माइक्रो इंजेक्शन यूज़ करना पड़ता है, जीन गन मेथड यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें आपका क्या गलत है, देखो इन अ मेथड, क्योंकि आंसर यही है सी, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल नहीं एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल में हम माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं जो कि टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम का एक मेथड है। ओके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का आपको ये याद रखना है। जीन गन वाला क्या था, जीन गन इज बेस्ड ऑन प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन, और PG या तो हीट शॉक मेथड, कैल्शियम का यूज करना, इलेक्ट्रोपोरेशन, ये सब वर्ड अगर कहीं भी मिला दिस इज यूज फॉर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, DNA दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग, ये तो करेक्ट है। स्पूलिंग का मतलब क्या है, अगर DNA आपने चिल्ड इथेनॉल में रखा है या तो कहीं से DNA आप कलेक्ट कर रहे हो टेस्ट ट्यूब से, तब स्पूलिंग करते हैं, एक वो रहता है ना ऐसे इस तरह से सर्कल वाला एक, ठीक है, तो इसको हम आराम से एक एपरेटस है उसको हम आराम से उठा उठा के लेके DNA को ट्रांसफर करते हैं इथेनॉल, जिससे कि वो प्रेसिपिटेट कर जाए। ओके, तो ये याद रखना ये गलती क्यों थी, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल लिखा है, एनिमल लिखना था। ओके, छोटा सा मिस्टेक है, बाकी सब करेक्ट है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेट करके आपको पूछा है। यहाँ पे हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है यूट्रस का रिमूवल, जहाँ पे हम यूट्रस निकाल देते हैं। अगर हम किसी का फीमेल का यूट्रस निकाल दे तो क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, एक तो उसमें मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, दूसरा मैच्योर ओवम फॉर्म नहीं होगा। ऐसा क्यों, एक मेंस्ट्रुएशन आप समझ गए होंगे कि मेंस्ट्रुएशन इसलिए नहीं होगा कि यूट्रस नहीं है, यूट्रस में एंडोमेट्रियल लाइनिंग थिक भी नहीं होगा और वो शेड भी नहीं होगा। मैच्योर ओवम का क्या लिंक है, ओजेनेसिस जो स्टेप है, ओजेनेसिस स्टेप का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम, और ओवम तभी मैच्योर हो सकता है जब स्पर्म जाके ओवम के अंदर एंटर करे, आफ्टर दैट ओनली वो ओवम मैच्योर होता है बाय शेडिंग सेकंड पोलर बॉडी मियोसिस टू कंप्लीट करके, आफ्टर दैट दे फॉर्म जायगोट। ओके, तो मैच्योर ओवम बनने के लिए यूट्रस के थ्रू स्पर्म को एंटर करना पड़ेगा। अगर किसी फीमेल में यूट्रस नहीं है तो इधर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, इधर जो प्रोसेस है ओजेनेसिस का ये भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो ओजेनेसिस तभी कंप्लीट होता है जब किसी भी ओवम में क्या एंटर करता है, यहाँ पे स्पर्म एंटर किया, आफ्टर दैट पहला से तो एक पोलर बॉडी था ही, दूसरा एक पोलर बॉडी शेड होगा, फिर ये फ्यूज होगा, फिर जायगोट बनेगा। ओके, तो आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवम क्या करता है, इट कन्वर्ट टू
mature ovum, immature ovum convert to mature ovum by shedding second polar body, then they will convert to zygote. Yaad rakhna, okay? Ye bahut important hai aur repeatedly main dekhi hu, poochte rehte hain. So 181 ho gaya. Ab hum dekhenge question number 182. क्वेश्चन नंबर 182 ह्यूमन थाउजेंड डिजीज से पूछा गया है, अल्कोहल एंड ड्रग्स पोर्शन से. 161-162 में आपको ये लाइन मिल जाना चाहिए. आप अच्छे से पढ़ के देखो. द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज ऑफ मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ. जब कोई ड्रग्स या अल्कोहल लेता है, आफ्टर दैट उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है? तोड़फोड़, यहाँ पे कहीं पर हल्ला मचाना, वायलेंस करना. तो इसलिए ये आंसर आपको मार्क करना था, दैट इज रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस. ओके, इमीडिएट आफ्टर पूछा है. ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 182 बहुत सिंपल था. अब हम क्वेश्चन नंबर 183 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 183 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के मसल कंट्रैक्शन से पूछा गया है. ये मैंने पहले भी आपको किसी वीडियो में बताया था, मैं इसमें बताती हूँ. द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन एक्चुअली इन्वॉल्व्स व्हाट? एटीपी हाइड्रोलाइसिस एंड दिस. ओके, व्हाई नॉट एटीपी बाइंडिंग? तुम पेज नंबर 307 में जाना, वहां पे तुम जाके देखो. जब भी एटीपी मायोसिन हेड में है तब क्रॉस ब्रिज बना नहीं है. ओके, जब एटीपी हाइड्रोलाइज हुआ, दैट इज एटीपी कन्वर्टेड इनटू एडीपी प्लस पीआई, तब जाके जो मायोसिन हेड है वो जी एक्टिन से अटैच होना शुरू हुआ. जैसे ही वो अटैच हुआ, क्रॉस ब्रिज बन गया, दैट इज एक्टोमायोसिन कम्बिनेशन बोलते हैं उसे. फिर एक्टोमायोसिन कम्बिनेशन से जो मायोसिन हेड है उसने जो तुम्हारा आई बैंड है उस थिन फिलामेंट से उसे खींच के अंदर की तरफ लाया. ओके, उसके लिए तुम 308 में जाओ, वहां पे जाके देखो. फर्स्ट पार्ट में एक डायग्राम है जिसमें एज जोन एक्सपोज्ड है, दैट मींस रिलैक्स स्टेट है. सेकेंड में पार्शियली कंट्रैक्टेड पोजीशन है. अ थर्ड इज मैक्सिमम कंट्रैक्शन. मैक्सिमम कंट्रैक्शन है जहाँ पे एज जोन दिखता नहीं है, एच जोन, जो कि ए बैंड का पोर्शन है. तो आपको याद रखना है, जब भी क्रॉस ब्रिज बनता है बिटवीन मायोसिन हेड एंड जी एक्टिन बॉल, तब धीरे धीरे करके खींच के वो अंदर की तरफ थिन फिलामेंट को ले जाता है, टुवर्ड्स अ थिक फिलामेंट. दिस इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. और एज जोन जो पहले एक्सपोज था वो अनएक्सपोज हो जाता, मतलब नॉर्मली ढक जाता, डिमिनिश हो जाता है. ओके, लेकिन क्रॉस ब्रिज का बनने के लिए एक चीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रॉस ब्रिज तभी बनेगा जब एटीपी ब्रेक होगा. जब क्रॉस ब्रिज तब टूटेगा जब एटीपी नया अटैच होगा, क्योंकि हर एक में थोड़ा थोड़ा खींचने के लिए हर बार एनर्जी चाहिए. तो नया मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जब अटैच होता है, क्रॉस ब्रिज ब्रेक्स और एटीपी डिटैच, ये ब्रेक्स, देन क्रॉस ब्रिज फॉर्म्स. ओके, भूलना मत ये चीज. एटीपी हाइड्रोलाइसिस का मतलब यहाँ पे मीन कर रहा है एटीपी इक्वल्स टू एडीपी प्लस पीआई. ये ब्रेक हुआ तब क्रॉस ब्रिज बनेगा, एटीपी बाइंड हुआ क्रॉस ब्रिज टूटेगा, ब्रेक्स उल्टा. हाँ, ध्यान रखना. और जब भी बाइंडिंग ऑफ मायोसिन और हेड विद जी एक्टिन होता है, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ एक्टोमायोसिन, क्रॉस ब्रिज बनना. तो 307 और 308 को अच्छे से ऑब्जर्व करो, आप समझ जाओगे. क्लियर? जहां पे एटीपी लिखा है दिस इज फर्स्ट स्टेप, फिर यहां पे टूटा दिस इज सेकंड स्टेप, फिर क्रॉस ब्रिज देखो लिखा हुआ थर्ड है, फिर फोर्थ स्लाइड, वन स्लाइड पावर स्ट्रोक बोलते हैं उसे, दिस इज फोर्थ स्टेप. अगेन नया एटीपी लगा, क्रॉस ब्रिज टूट गया, फिर क्रॉस ब्रिज बनना शुरू हुआ, क्रॉस ब्रिज बन गया, फिर खींचा, फिर नया एटीपी लगा. ऐसे प्रोसेस होते रहता है हर बार, जब तक एज जोन डिमिनिश या ढक ना जाए. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 183 क्लियर हुआ होगा. अब क्वेश्चन नंबर 184 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 184 ये आपको पूछा गया है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के पेज नंबर 182 से, दैट इज लिम्फेटिक सिस्टम. इसमें देखो लिम्फ हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. इसमें आपको निकालना है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके, तो अच्छे से पढ़ के देखो. सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा, यस. क्योंकि अगर आप देखोगे ये हमारा ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से जो भी प्लाज्मा कंटेंट निकल के आ रहा है ब्लड कैपिलरी से, यही टिश्यू फ्लूइड बनाता है. ओके, टिश्यू फ्लूइड जो होता है इट इज डायरेक्टली गिविंग खाना पीना और न्यूट्रिएंट्स टू सेल, और यही तुम्हारा लिम्फ बनाता है. समझ गए? इसका मतलब लिम्फ टिश्यू फ्लूइड से डिराइव हुआ, टिश्यू फ्लूइड प्लाज्मा से डिराइव हुआ, और टिश्यू फ्लूइड ही हमारे सेल को जो भी ऑक्सीजन है, फूड है, ये प्रोवाइड करता है. और जो भी CO2 सेल से निकलता है ये लिम्फ लेता है, लेके फिर जाके लिंक कर देता है मेजर वेन से. मेजर वेन मतलब वेना केवा से, ये हमारा लिंक है. ओके, मतलब जो भी सामान यहाँ से आया, सेल को मिला, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बना, लिम्फ ने लिया, फिर मेजर वेन को दे दिया, ड्रेन बैक टू द मेजर वेन अगेन. तो इसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिम्फ का और प्लाज्मा का, ये करेक्ट है. लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स फ्लूइड बिटवीन द बॉडी सेल्स एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर आर्टरी. नो, यहाँ पे लिखना था मेजर वेन, तब ये करेक्ट होता, इसलिए गलत है. ओके, नेक्स्ट, लिम्फ इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड, करेक्ट. लिम्फ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस, यस, बिकॉज लिम्फ नोड्स होता है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जहाँ पे WBC को इफेक्टर सेल बनाया जाता है, या तो बोल सकते हैं सिंपल सेंस एक्टिवेट किया जाता है. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे सब करेक्ट है, 3 आना चाहिए आंसर, क्योंकि 2 जो है ये गलत हो गया.
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 184 कवर हो गया। अब हम देखेंगे 185। क्वेश्चन में 185 आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा गया है, जो कि आपको पेज नंबर 60 के लास्ट पोर्शन में IUDs है ना, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, उसमें मिल जाएगा। और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हमारा बेस्ट आइडियल कंट्रासेप्टिव वो होता है, मेथड होता है फॉर इंडिया। तो इसमें देखो पूछा क्या है, कॉपर टियर टाइप ऑफ IUD एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन एंड क्लीवेज, नो, जायगोट फॉर्मेशन, नो, जायगोट एंड क्लीवेज फॉर्मेशन एंड परचुरेशन, नो, क्योंकि आपको पता है कि वो कंट्रासेप्टिव मेथड है। तो इसमें फेगोसाइटोसिस फॉर्म करता है, ये करेक्ट है, और सप्रेस फॉर्म मोर्टिलिटी, दिस इज एडिशनल फीचर ऑफ कॉपर कंटेनिंग IUDs, ओके। हमेशा याद रखना IUDs तीन तरह के हैं, एक नॉन मेडिकेटेड है, एक कॉपर कंटेनिंग है, एक हॉर्मोनल है। नॉन मेडिकेटेड में लिपिलुप्स है, कॉपर कंटेनिंग में आपको LNG वो मिल जाएगा 20 मल्टीलोड 375, कॉपर टी और कॉपर 7, और प्रोजेस्टोसार्ट एंड LNG 20 आपको हॉर्मोनल में मिलेगा। तो तीन कॉलम बना के पढ़ना, तीनों का कॉमन फीचर अगर देखोगे फेगोसाइटोसिस फॉर्म है, लेकिन कॉपर कंटेनिंग IUDs का एक एडिशनल रोल है, दैट इज सप्रेस फॉर्म मोर्टिलिटी। और रह गया आपका हॉर्मोनल, उसका एडिशनल रोल है टू मेक द सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म्स एंड प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ओके। तो इन दैट बेसिस आपको सेपरेट करके थोड़ा पढ़ लेना, तो ईजिली आप मार्क कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 185 हम कवर कर चुके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 आपको बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन के RNA इंटरफेरेंस पोर्शन से पूछा है, ओके। तो इसमें 209 में मिल जाएगा। इसमें एक्चुअली पूछना चाह रहा है कि हमारे सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर डिफेंस करने वाला RNA रहता है, क्योंकि हमारे सेल में भी कुछ ऐसे RNA इंटरफेरेंस या तो siRNA miRNA रहते हैं जो हमारे कुछ जीन्स को इनएक्टिव करके रखते हैं, जिससे कि हर एक सेल डिफरेंटली बिहेव कर पाए और ज़रूरत पड़ने पर कुछ पैथोजेंस के जो जीन है उसे भी सप्रेस करते हैं। तो इसीलिए अगर कभी भी ऐसे आया कि विच ऑर्गेनिजम्स यूज RNA इंटरफेरेंस एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, तब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, बिकॉज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में ही ऐसे siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA एंड microRNA रहता है, जो किसी भी वायरस के या किसी पैथोजन के जीन्स को सप्रेस करता है, एज वेल एज ये हमारे जीन्स को भी इनएक्टिव करता है इन सम प्लेसेस जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो ये देख लेना 186, उसी से लिंक करके क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 187। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन है। इसमें देखो विच इज नॉट ट्रू फॉर द मोएट, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, ट्रू कौन सा नहीं है। फर्स्ट देखो द फीमेल एनिमल्स इज एडमिनिस्टर्ड विद हॉर्मोन्स हैविंग FSH लाइक एक्टिविटी, करेक्ट, कि उनको FSH इसलिए दिया जाता है जैसे कि सुपर ओव्यूलेशन कर पाए, एक ही साथ वो 6 to 8 एग्स बना पाए, जैसे नॉर्मली एक साइकिल में वो एक ही एग बनाते हैं। नेक्स्ट, मोर देन वन ओवम आर मैच्योर ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल, येस करेक्ट, इज अराउंड 6 to 8 एग्स, जिसको हम फ्यूज करते विद सीमेन ऑफ इलाइट बुल, जिसे हम एम्ब्रायोस कलेक्ट करते 8 to 32 सेल स्टेज, फिर उस एम्ब्रायो को कलेक्ट करके हम सरोगेट मदर में या तो दूसरे कैटल्स में जो कि जेनेटिक मदर नहीं है उसमें ट्रांसफर करके ऐसे बहुत सारे गुड वेराइटी के कैटल्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी कम टाइम में इंक्रीज हो जाए और हार्ट का साइज भी इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो इसमें सब ये भी करेक्ट है, एम्ब्रायोस ट्रांसप्लांट इन 8 to 32 सेल स्टेज करेक्ट है। यहाँ पे क्या गलत है, देखो एग्स आर रिकवर्ड सर्जिकली नहीं होगा, यहाँ पे नॉन सर्जिकली होगा, तो मैं पूछा है नॉट ट्रू, तो इसमें नॉन सर्जिकली होगा, ओके। तो नॉन सर्जिकली, सर्जिकली नहीं करते क्योंकि जेनेटिक मदर तो फ्री नहीं हो गए, इसलिए हम नॉन सर्जिकली करते हैं, जिससे कि जेनेटिक मदर का जो बॉडी है वो डिस्टर्ब ना हो और हम कम टाइम में हार्ट साइज को इंक्रीज कर पाए, ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर 188 के तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 आपको पूछा है पेज नंबर 140 इवोल्यूशन से, द बिगेस्ट लैंड रेप्टाइल एवर एग्जिस्टेड एज पर पैलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, मतलब इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, टायरानोसोरस रेक्स है, जो 20 फीट हाइट का होता है, ओके। तो इसमें आंसर ये होगा, ये फिश लाइक रेप्टाइल है, और ये भी आपको बुक में मिलेंगे, NCERT में है। ये सब नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस मगअप करना है कुछ नाम, जिससे कि आप इजिली स्कोर कर सकते हो मार्क्स, ओके। तो अभी क्वेश्चन नंबर 189 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 भी आपको इवोल्यूशन से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट, हुगो डिवाइज वेरिएशन एंड स्मॉल डायरेक्शन, वेरिएशन स्मॉल एंड डायरेक्शनल, ये कहा है डार्विन ने, तो ये गलत है। म्यूटेशन थ्योरी हुगो डिवाइज ने बोला था, उन्होंने बोला था म्यूटेशन इज रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, ओके। स्पेशल क्रिएशन थ्योरी एज ऑफ अर्थ इज 4 बिलियन नहीं,
अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, जो मानते हैं कि कुछ गॉड है, सुपरनेचुरल पावर है, कि नॉर्मली जितने भी स्पीसीज है देयर सिमिलर, किसी में किसी का वो नहीं है, एक दूसरे से नहीं मिलता है, और जो वो है एज ऑफ अर्थ है वो 4000 ईयर्स है, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 4000 ईयर बैक होना चाहिए था. ओके अच्छा नेक्स्ट, पेंसपॉर्म इज ए फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर, करेक्ट है, जो कि पेज नंबर 127 में मेंशन है, देख लेना. पेंसपॉर्मिया इज ए एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल थ्योरी, जिसमें जो स्पोर्स होते हैं वो सेटल डाउन होते हैं, उससे लाइफ फॉर्म्स बन जाता है, जो कि ग्रीक थिंकर्स ने कहा था, तो ये करेक्ट है. स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी डिसमिस्ड बाय डार्विन, नो, इट इज डिसमिस्ड बाय लुई पास्टर, लुई पास्टर. ओके तो इसलिए इसमें करेक्ट सिर्फ यही आ रहा है, 127, 135, 136 इसमें आपको मिल जाएगा, ये 128 में मिलेगा, ये 127 में मिलेगा, ये 127 में मिलेगा, ये 135 में मिल जाना चाहिए आपको. एक बार देख लेना, क्वेश्चन नंबर 189 कवर हो गया. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 190. क्वेश्चन नंबर 190 आपके स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन से चैप्टर से पूछा गया है, एनिमल हस्बेंड्री पोर्शन से. 168 में देखने एक एनिमल का डायग्राम है, म्यूल. म्यूल होता है ऐसे, टाइगर होता है, लाइगर होता है, हिनी होता है. जो म्यूल है, म्यूल इसमें मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स से बना है, उसके क्रॉस से बना है, दो अलग स्पीसीज से. तो तुम्हें जब म्यूल का पूछेंगे तो कौन सा प्रोसेस इसमें सबसे करेक्ट है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. ओके ये तो नहीं होगा इनब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन होमोजाइगस देता है प्योर लाइन वेराइटीज, आउटब्रीडिंग में है आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. तो ये आउटब्रीडिंग से बेटर आंसर यही आ रहा है, बिकॉज उसमें लिखा ही है ये, और इंटर स्पेसिफिक इसे लिंक नहीं करता. तो आपको याद रखना, म्यूल इज नथिंग बट अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स. ओके ये ध्यान रखना है. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 191, जो कि ह्यूमन थलथन डिजीज के एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन पोर्शन से है. इसमें तुम देखो, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन थ्रू इंजेक्टिंग एंटीबॉडी. ये बहुत सिंपल सा क्यूट सा क्वेश्चन है. हमेशा याद रखना, पैसिव इम्यूनिटी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल. नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों केसेस में एंटीबॉडी का इंट्रोड्यूस करना ही हम पैसिव मीन करते हैं, बिकॉज हमारा बॉडी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन एनी काइंड ऑफ इम्यूनिटी. ओके और जो चीज हम डाल रहे एंटीबॉडी, वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता, तो इसलिए पैसिव में गिरेगा. जब भी एक्टिव वर्ड आता है, दैट मीन्स उसमें हम कोई पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, या वह खुद से इंट्रोड्यूस होता है, और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करके सेल मेडिड इम्यून सिस्टम, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम करके खुद एंटीबॉडी हम बनाते हैं, तब तुम एक्टिव इम्यूनिटी बोलोगे. इसमें तुम्हारा इसीलिए आंसर एंटीबॉडीज ही होगा. अगर एंटीजेंस लिखा रहता तो एक्टिव होगा. वैक्सीन क्या है? एक्टिव. आर्टिफिशियल में गिरता है, क्योंकि वैक्सीनेशन में भी हम पैथोजन का किल्ड पोर्शन, या तो फर्स्ट जनरेशन वाला, सेकंड जनरेशन वाला, या डीएनए वैक्सीन जो मैंने अभी समझाया था वो यूज़ करते हैं, इसलिए ये भी एक्टिव में गिरेगा. और एंटीबायोटिक लिंक नहीं करता, बिकॉज एंटीबायोटिक नॉर्मली क्या करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को हमारी बॉडी में रोकता है. तो इन दैट मैसेज 191 का सबसे बेस्ट आंसर सी है. अब हम क्वेश्चन नंबर 192 देखेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट, अगर ये तुमने याद नहीं किया होगा, ये देख लेना, थोड़ा सा 134 में है इवोल्यूशन चैप्टर में, थोड़ा सा देख लेना बेटर रहेगा कि इसमें कौन कौन सा आ रहा है. सपोज नंबेट है, नंबेट इसमें तुम्हारा किस में आ रहा है, एंटीटर में. स्पॉटेड कसकस किस में आ रहा है, लेमूर में. शुगर ग्लाइडर किस में आ रहा है, फ्लाइंग स्क्विरल में. और टाइगर कैट किस में आ रहा है, बॉब कैट में. इसलिए ए 1 मार्क करना था, बी 3 मार्क करना था, सी 2 मार्क करना था, और डी 5 मार्क करना था. ओके तो ये क्वेश्चन नंबर, ये इसमें एक्चुअली तुम्हें मगअप ही करना है कि कौन कौन सा किससे मिलता है. हमेशा याद रखना, दो कॉलम है प्लेसेंटल मैमल्स के, जितने एग्जांपल्स है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इफ यू आर कंपेयरिंग द प्लेसेंटल मैमल विद मार्सुपियल मैमल्स लाइक दिस, देन दिस इज कन्वर्जेंट. ओके तो फिगर के नीचे 134 पेज में लिखा ही हुआ है कन्वर्जन इवोल्यूशन, तो ये थोड़ा सा देख लेना और सीख भी लेना किसके साथ कौन सा मैच हो रहा है. ओके अभी क्वेश्चन नंबर 193 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 193 आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल के पीसीआर से पूछा गया है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें नॉर्मली हम डीएनए को एम्प्लीफाई करते हैं. तीन स्टेप है, वन इज डीनेचुरेशन, देन एनीलिंग, देन एक्सटेंशन. जब हम डीनेचुरेशन करते हैं, तब 94-96 डिग्री सेल्सियस में डीएनए टेम्पलेट्स को सेपरेट करते हैं. फिर उसमें जाके देखो, यहाँ पे ये अटैच हो जाता है, प्राइमर अटैच होता है. ठीक है, दिस प्राइमर अटैचमेंट इज एनीलिंग, इसको बोलते हैं एनीलिंग. फिर इसी प्राइमर को एक्सटेंड करता है डीएनए
DNTPs, that is deoxynucleotriphosphate, together with tech polymerase, ये मिलके extension करके एक DNA molecule से दो बना देता है, ऐसे दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह amplify होते रहता है DNA, ठीक है। तो PCR कैरी मुलिस ने 1983 में discover किया था, और ये एक thermocycler machine है जो DNA को separate करता है, जोड़ता है on the difference of temperature in each step, वो याद रखना है। तो उसमें द बेस्ट आंसर ये रहता हीट, फिर DNA primers and फिर tech polymerase, because they're talking about denaturation, primer adding is what annealing, and tech polymerase का role कहाँ पे आ रहा है, extension of DNA, okay? तो एक से दो बन गए। तो this is simple question from biotechnology and its principle, question number 193. अब हम question number 194 की तरफ move करते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 ये भी आपको पूछा है बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल से, बायोटेक का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ये देखना भी है आपको। इसमें देखो द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ऑकर्स आफ्टर, तब बायोसिंथेटिक फेज होगा, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, ऐसा वर्ड कुछ भी मिला, दिस इज डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है स्टेज है जहाँ पे हम बायोरिएक्टर में माइक्रोब्स को कल्चर करके उसे एक्सप्रेस कराते हैं। एक्सप्रेस कराना मतलब डीएनए जो उसमें होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो एक्सप्रेस होगा, तब हमें रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन मिलेगा, दिस इज बायोसिंथेटिक फेज। तो तुम्हें पूछा है द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग ऑकर्स आफ्टर, तो बायोसिंथेटिक फेज ये मार्क करना था, ओके। तब हम क्वेश्चन नंबर 195 की तरह मूव करते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस तुम्हें ये देखना है कि कौन वायरल डिजीज है, कौन सा बैक्टीरियल है, तो फंगल दिया है, तो ये सब मिलाना था। फाइंड ऑड वन विथ रेफरेंस टू डिजीज कॉज्ड डिवेजेंस, निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दैट इज बैक्टीरिया, वायरस भी होता है, वायरल निमोनिया होता है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, और हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी, तो ये बैक्टीरियल है, ओके। रह गया आपका कॉमन कोल्ड, ये होता है राइनो वायरस से, तो ये वायरल है। प्लेग होता है यर्सिनिया पेस्टिस, दैट इज बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है। डिप्थीरिया होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, ओके, ये भी बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये वायरस, इसीलिए इसमें आंसर बी मार्क करना था आपको, ठीक है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी, कोल्ड में कॉमन कोल्ड में होता है राइनोवायरस जो कि 3 to 7 days के बाद ठीक हो जाता है। प्लेग होता है यर्सिनिया पेस्टिस जिसमें बूबो होता है लिम्फ नोड इन्फेक्शन, और डिप्थेरिया कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरी जिसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ म्यूको, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इन्फेक्शन होने से थ्रोट में एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाता है, व्हाइट है तो ग्रे कलर का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे। 196 मैंने थोड़े पहले ही आपका आपसे डिस्कस किया था कि नॉन मेडिकेटेड ही होता है हार्मोनल एक कॉपर कंटेनिंग, तो लिपी लूप्स किस में आ जाता है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में, उसका एक ही फंक्शन है कॉमन में, दैट इज फेगोसाइटोस्पर्म, बस उतना ही, और एडिशनल फंक्शन इसमें एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 197 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से पूछा है, एट प्रेजेंट अबाउट हाउ मेनी रिकमेंडेड थेरेपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज इन द वर्ल्ड ओवर, तो ऑटोमेटिकली अगर तुम पूछे तब 30 मार्क करोगे, अगर इंडिया का पूछा होता तब 12 मार्क करते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड इसलिए 30, इंडिया पूछता तो 12, ओके। ये तो एक डाटा है जिसमें डायरेक्ट याद ही रखना है तभी कर पाओगे, तो 197 हो गया। अब हम देखेंगे 198 में, ये क्वेश्चन आपका ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस से पूछा गया है, जिसके लिए आप रिफर कर सकते हो पेज नंबर 47, ओके। इसमें एक्चुअली क्या है, जब भी आपको पूछते हैं वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उससे क्या बनता है, टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, फोर स्पर्म्स, ये तो आपको लिंक पता है, और इधर आपको पता है कि प्राइमरी ओसाइट से अल्टीमेटली एक ही एग बनता है, दैट इज ओवम, या तो सेकेंडरी ओसाइट बोल सकते हो, जिसका मैच्योरेशन तब पॉसिबल है जब स्पर्म एंटर करेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्पर्म्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज ए, वेयर इज द नंबर ऑफ ओवम और ओवा फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी ओसाइट इज बी, तो मार्क द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी, तब इसमें बेस्ट आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ए, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, दो, दो से कितने बनते हैं, चार, एक प्राइमरी ओसाइट से कितना एग बनता है, एक, एक सेकेंडरी ओसाइट से भी कितना एग बनता है, ओवम बनता है, एक ही बनेगा, ओके। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 198 हमने ओवर किया, अब नेक्स्ट देखेंगे 199। क्वेश्चन नंबर 199 पेज नंबर 54 रिफर कर लेना आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, इसमें कुछ डाटा है जिसको सेपरेट करके ऐसे सीखोगे तो आंखों में गिरेगा भी और गलत भी नहीं होगा, जैसे कि एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या है, इसमें तो आप कर लोगे, ये तुम्हारा है हार्ट बनना, एंड ऑफ सेकेंड मंथ में क्या होता है, B4 है जैसे लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप होना, देन C1 है, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, लिम्स एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स बिकम वेल डेवलप्ड, देन D2 है,
दैट इज बॉडी हेयर डेवलप्स, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म. तो कुछ स्टेजेस उसमें दिए हैं, तो 6 to 7 स्टेप्स बनेगा जो कि पेज नंबर 54 में लिखा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. आप एक बार उसको सेपरेट करके सीख लेना जिससे कि क्वेश्चन पेपर में गलती ना हो. ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कुछ बताना ही नहीं था, इसमें डायरेक्ट मार्क करना था. अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 200. क्वेश्चन नंबर 200 पूछा है आपको एनिमल हस्बेंड्री से. ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, 170 पेज में आपको मिल जाएगा, दैट इज फिश प्रोडक्शन. तो आपको याद रखना है ब्लू रिवोल्यूशन जैसे फिश प्रोडक्शन है, येलो फॉर ऑयल, ग्रीन फॉर राइस एंड व्हीट एंड वाइट फॉर मिल्क. तो ब्लू रिवोल्यूशन जब भी पूछेंगे फिश प्रोडक्शन मार्क करना. मैं आपको बस एक सजेशन देना चाहूँगी कि पेपर हम डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करके बायो के लिए खासकर एनसीटी रीडिंग कर लेना. या तो जो भी क्वेश्चन करोगे हमारा जितना भी एएनटीएस पेपर है उसको निकाल के, आपके पास तो प्रिंट आउट है ही, जो पेपर मिले हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेना. तुम देखना उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन गिरेंगे और तुम कर पाओगे. सो बी कॉन्फिडेंट, आराम से विदाउट एनी एंग्जाइटी काम एंड क्वाइटली प्रिपरेशन करते रहो. ये जो कुछ दिन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से यूटिलाइज कर लो. ओके, चलो नेक्स्ट एएनटीएस FT9 भी मैं डिस्कस करूँगी, उसमें मिलते हैं. थैंक यू.